थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 अभियुक्तों को रामपुर मोड़ के पास स्थित बाग से अवैध शस्त्र के साथ किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर जनपद की चांदा पुलिस टीम द्वारा गुरुवार को शाम मुखबिर की सूचना पर थाना अध्यक्ष चांदा रवि कुमार सिंह मई फोर्स के साथ पहुंचकर एक संदिग्ध बिलोरो सहित उसमें सवार 5 लोगों को चांदा रामपुर रोड के पास स्थित बाग के पास से पकड़ा। चेकिंग के दौरान सभी के पास अवैध शस्त्र बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि सभी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। पकड़े गए अभियुक्त सभी जौनपुर जनपद के बदलापुर थाना अंतर्गत स्थित विभिन्न गांवों के रहने वाले हैं। अभियुक्त गढ़ में नरसिंह पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम शाहपुर थाना बदलापुर जनपद जौनपुर, जिसके पास से जमा तलाशी में 315 का एक अवैध देसी तमंचा मैं एक जिंदा कारतूस के साथ बरामद हुआ, तथा अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र लालजी निषाद निवासी ग्राम मिर्सादपुर थाना बदलापुर जनपद जौनपुर, जिसके पास जमा तलाशी के दौरान 32 बोर अवैध पिस्टल 2 जिंदा कारतूस बरामद हुई, तथा अभियुक्त कमलेश निषाद पुत्र चौथी राम निषाद निवासी ग्राम मिर्सादपुर थाना बदलापुर जनपद जौनपुर, जिसके पास से जमा तलाशी में 32 बोर की अवैध देसी तमंचा एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जबकि अभियुक्त इंद्रजीत कुमार बिंद पुत्र फूलचंद बिंद निवासी ग्राम भलुआही थाना बदलापुर जनपद जौनपुर के पास से एक अदद अवैध चाकू भी बरामद हुई है। सभी अभियुक्त एक दिल्ली नंबर की बिलोरो से आए हुए थे, जिसे सीज कर दिया गया। सभी अभियुक्तों के खिलाफ लिखा पढ़ी कर न्यायिक कार्रवाई के लिए जिला न्यायालय भेजा गया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष रवि कुमार सिंह, एसआई दिनेश चंद, आरक्षी अनुराग पाल, वीरेंद्र कुमार व अभितेश कुमार मौजूद रहे।